उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने संभल मस्जिद मामले में प्रतिक्रिया दी है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप की मांग की है। संभल की जामा मस्जिद में कोर्ट के एक आदेश के बाद रात को ही सर्वे कराया गया था। जुमे की नमाज को लेकर पीएसी और पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। बसपा चीफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि यूपी के संभल जिले की शाही जामा मस्जिद को लेकर अचानक विवाद, सुनवाई और फिर उसके फौरन ही बाद आपाधापी में सर्वे की खबरें राष्ट्रीय चर्चा और मीडिया की सुर्खियों में हैं, किंतु इस प्रकार से सद्भाव और माहौल को बिगाड़ने का संज्ञान सरकार तथा सुप्रीम कोर्ट को ही भी जरूर लेना चाहिए। आपको बता दें कि शाही जामा मस्जिद में जुमे की नमाज 1:30 बजे होगी। मस्जिद कमेटी ने लोगों से अपील की है कि लोग अपने मोहल्लों की मस्जिदों में जुमे की नमाज अदा करें और भीड़ ना लगाएं। शाही जामा मस्जिद के आसपास के लोगों जो लोग नमाज पढ़ने आते हैं वही आज जुमे की नमाज यहां शाही जामा मस्जिद में पढ़ें। कानून व्यवस्था में पुलिस प्रशासन का सहयोग करें और अफवाहों पर ध्यान न दें, शांतिपूर्ण माहौल में जुमे की नमाज अदा करें। यूपी में संभल की जामा मस्जिद के श्रीहरि मंदिर होने का दावा किया गया है और इसको लेकर हिंदू पक्ष ने कोर्ट में याचिका भी लगाई है। आपको बता दें कि मंगलवार को कोर्ट के आदेश पर सर्वे किया गया और एडवोकेट कमीशन की टीम ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में मस्जिद के अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की। इस दौरान माहौल तनावपूर्ण रहा। मुस्लिम पक्ष ने याचिकाकर्ता को मस्जिद में प्रवेश करने से रोक दिया, जबकि मस्जिद के बाहर भारी भीड़ नारे लगाती हुई नजर आई। मंगलवार की दोपहर चंदौसी स्थित सिविल जज सीनियर डिवीजन आदित्य सिंह की कोर्ट में पेश किए गए दावे पर अदालत ने संभल की जामा मस्जिद के एडवोकेट कमीशन का आदेश जारी किया। इसके बाद मंगलवार शाम को एडवोकेट कमीशन की टीम मस्जिद का सर्वे करने के लिए पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जामा मस्जिद पर पहुंची। यहां एडवोकेट कमीशन के साथ ही हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के वकील की मौजूदगी में मस्जिद के अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की गई और इसके बाद करीब 2 घंटे तक टीम ने सर्वे किया। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और काशी की ज्ञानव्यापी का केस कोर्ट में दायर होने के बाद अब यूपी के संभल में स्थित जामा मस्जिद को पूर्व में श्रीहरि मंदिर होने का दावा किया गया है और मंगलवार की दोपहर लगभग 1 बजे सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने संभल जिले के चंदौसी स्थित सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में याचिका लगाई थी। इस पर कोर्ट ने 2 घंटे के अंदर ही दोपहर 3 बजे एडवोकेट कमीशन कराने का आदेश कर दिया था और इसके बाद मंगलवार शाम 6:15 पर एडवोकेट कमीशन रमेश सिंह, याचिकाकर्ता महंत ऋषिराज गिरी और सुप्रीम कोर्ट से आए अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन और मुस्लिम पक्ष के वकील के अलावा डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया, एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई भारी पुलिस और वीडियोग्राफी टीम के साथ जामा मस्जिद पहुंचे। इसके बाद एडवोकेट कमीशन की टीम दोनों पक्षों के अधिवक्ता और पुलिस प्रशासनिक अफसरों और वीडियोग्राफी टीम के साथ मंदिर के अंदर दाखिल हुई और इस दौरान मंदिर के श्री हरिहरन मंदिर होने का दावा करने वाले याचिकाकर्ता महंत ऋषिराज गिरी को मुस्लिम पक्ष ने मस्जिद में दाखिल होने से रोक दिया। और इसी बीच आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने अब संभल मस्जिद मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप की भी मांग की है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।